इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ शानी सिंह और आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया की विशेष रिपोर्ट। मुंबई के गोरेगांव में सुल्तानुल हिंद व मुकदुम सिमन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर भारी संख्या में लोग मौजूद हुए, जिसमें युवा और महिलाएं भी उपस्थित थी। इस कार्यक्रम में इस्लाम के बारे में बताया गया। यह कार्यक्रम मौलाना एजाज अशरफी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इसके अलावा इस कार्यक्रम में अभिनेत्री पुष्पा शुक्ला, अभिनेता चंद्र प्रकाश तिवारी भी शामिल रहे। मेरा ही नहीं, काफी लोगों का इच्छा थी कि आसमी जी आए मौलाना जी और लोगों को प्रवचन करके प्रभावित करें। ये काम एजाज मौलाना जी ने किया है। आसमी मौलाना जी का जो प्रवचन था आदमी के दिलों में ऊर्जा उत्पन्न करता था और एक संदेश था लोगों को एक करने के लिए, चाहे जो भी धर्म हो, लेकिन उनका एक संदेश यही था कि सब मिलजुल के रहें, एक रहें, नेक बन के रहें। इस इलेक्शन में ये क्लियर हो चुका है कि भैया सब एक, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी अन्य कोई भी जाति वर्ग का हो। ये देख के मुझे लगा फर्स्ट टाइम, आपसे सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ, मैं कि मैं हिंदू हूँ, मगर ये मैंने देखा कि मेरी बीबी को कुछ तकलीफ हुआ था, जिसकी वजह से मैं हर जगह हिंदू धर्म के नजर हर जगह मैं गया, लेकिन मेरी बीबी को कोई आराम वगैरह तकलीफ जो थे वो आराम नहीं हुआ। लेकिन मैं एजाज मौलाना जी को मैं इस चीज के लिए मैं कहूँगा, किसी ने मुझे बताया कि उनके पास जाइए, ये चीज का पूरा एकदम आराम मिल जाएगा। और पता नहीं कि छोछा शरीफ जो है फैजाबाद में, इनके पास आने के बाद इन्होंने इस तरह दुआ किया और इतना इलाज इस तरह कर दिया कि आज मेरी बीबी बहुत परफेक्ट और बहुत बढ़िया है। इसलिए प्यार मरता है, मुझे जात धर्म से कोई मतलब नहीं है। मेरी आने वाली फिल्म है, एक भोजपुरी फिल्म है कि बॉर्डर पार सजनी हमार करके है, और साउथ की फिल्म है ये गोल्ड मेडलिस्ट मरियप्पम करके है, और हिंदी फिल्म अभी जस्ट अभी रिलीज आमिर सलमान शाहरुख करके रिलीज हुई थी, और बाकी और भी सीरियल वगैरह के बाद चर्चाएं चल रही हैं, मीटिंग आए दिन कुछ न कुछ मीटिंग होता रहता है। इस्लाम दुनिया में सिर्फ अमन शांति के लिए आया, न कि आतंकवाद के लिए। जो लोग आतंकवाद का नाम इस्लाम से जोड़ते हैं वो सरासर गलती पे हैं, इसलिए कि जो लोग सिर्फ इस्लाम का मखोटा पहन के और इस्लाम की सूरत बनाकर वो दुनिया में आतंकवाद कर रहे हैं। अभी मैं इससे पहले थोड़े दिन पहले बगदाद भी गया था, वहाँ भी अमन शांति की का एक प्रोग्राम हुआ था, जो आपके टीवी पे भी ईटीवी वगैरह पे प्रोग्राम हुआ चुका है। वहाँ वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो पूरी दुनिया से लोग आए थे सिर्फ शांति के लिए। इस्लाम कभी नहीं चाहता कि एक इंसान किसी इंसान का कत्ल करे। इस्लाम ने यह कहा कि एक नाहक इंसान का कत्ल करने वाला पूरी इंसानियत का कातिल है वो। इस्लाम ने हमेशा अपने पड़ोसी का हक अदा करने के लिए कहा गया, उसके अंदर ये कहीं नहीं कहा गया कि पड़ोसी मुसलमान है तो उसका हक अदा करो। पड़ोसी कोई भी हो, उसका हक अदा करना है, उससे व्यवहार उससे अच्छा रखना है, उससे मुलाकात रखनी है, उसके दुख दर्द में आपको शरीक होना है। हमारे यहाँ जो भी आता है, ये सूफियों की जमात है, यहाँ जो आता है हर समान है, एक समान है, एक ही जगह बैठने का हुक्म दिया गया है, एक ही थाली में खाने का हुक्म दिया गया है, एक ही साथ रहने का हुक्म दिया गया है। इस जमात को सूफी कहते हैं। सूफी एजाज अहमद अशरफी साहब ने यह प्रोग्राम इसी मकसद को लेकर किया है कि अपने इलाके में जहां तक इनके असर और रसूख हैं और जहां तक हमारी बात पहुंच सकती है, आपस में मेल मिलाप के साथ रहना चाहिए, आपस में भाई 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 की तरह रहना चाहिए और अमन का पैगाम देना चाहिए, न कि लड़ाई झगड़े का पैगाम देना चाहिए। तलाक जो कि जायज है, लेकिन इस्लाम में सबसे बुरा कहा गया। इस्लाम ने कहा कि ये जायज होते हुए भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसे जो लोग हैं उनसे मैं मुंह पे फेर लेता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जायज होने के बावजूद जब इंतहा हो जाए, औरत से ना बन सके, तो उसका एक तरीका है तलाक देने का। कानून वो सही अपनी जगह पे है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। हमको तो बहुत खुशी है, आज हमारा प्रोग्राम बहुत सक्सेस हुआ अल्लाह करम से, और काफी लोग आए इस चीज को पसंद के। मखदूम पाक का करम है, उनकी दुआ है कि आज इतनी कामयाबी मिली और अल्लाह हमें हमेशा से कामयाब फरमाए। हाशमी साहब का आज जो भी प्रवचन मैंने सुना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे वाकई में लगा कि आज की चौचा की मिट्टी की महक आज हमारे यहाँ जो गोरेगांव में ये प्रोग्राम बाबा करा रहे हैं एजाज बाबा, वहाँ पे हमें ये फील हुआ। हर आदमी अपने धर्म के हिसाब से कराता है, कोई जो है रामायण कराता है तो कोई इस्लाम में अपने इसको जिसको प्रवचन कहते हैं, हम हिंदू प्रवचन कहते हैं। ये जैसे हम दिवाली मनाते वो ईद मनाते, तो वो अच्छा या बुरा नहीं हो सकता है। मैं तो कहती हूँ कि इंसानियत से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है, जो कि सारे प्रवचन में हाशमी साहब ने अपने सब यही कहा। और एक सच्चा मुसलमान का मतलब ये कि सच्चाई से होता है। मैंने पूरी कुरान तो नहीं पढ़ी, लेकिन बहुत लोगों से मेरा वास्ता पड़ता है। हमारे एजाज जी हैं, बहुत सारी चीजें मैं इनसे सीखते रहती हूँ, पूछते करते रहती हूँ। हाशमी साहब का जो मैंने आज यहाँ पर प्रवचन सुना, उससे पता चला है कि मुझे कोई भी धर्म गलत चीजें नहीं सिखाता। मेरी अभी अपकमिंग मूवी है, एक साउथ की मूवी है, मरियप्पन की मूवी आ रही है गोल्ड मेडल, और एक मेरी हिंदी मूवी है मीना कुमारी की, और कई सारे सीरियल हैं जिसका कि नाम अभी मैं जाहिर नहीं करूंगी क्योंकि अभी मैं उसमें काम नहीं कर रही हूँ, सब डन हो गया है। तो बहुत ही जल्दी मीडिया के सामने बिल्कुल बता दूंगी मैं।